हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पहुंचा मकान मालिक, रिपोर्ट दी, 2 लाख की नकदी और 9 तोले सोने के आभूषण हुए चोरी। बगीचा कॉलोनी में चोरी का है ये मामला। पारसी चाल की बगीचा कॉलोनी में सुने घर में चोरी के मामले में मकान मालिक आज मौके पर पहुंचा। घर में रखे 2 लाख रुपए व 9 तोले के स्वर्ण आभूषण नदारद मिले। वहीं चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका निरीक्षण किया। मकान मालिक की ओर से पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बगीचा कॉलोनी में गुजराती समाज धर्मशाला के सामने रहवासी विमल अग्रवाल ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका मकान 2 दिन से बंद था। 25 दिसंबर को उसके पड़ोसी गिरीश सोनी ने उसके मकान का पीछे का दरवाजा खुला हुआ तो उसे जानकारी दी। इस पर वह मकान पर आया, घर के पीछे की खिड़की और दरवाजे टूटे हुए मिले और घर का सामान उसे बिखरा हुआ मिला। अंदर जाकर जब उसने देखा तो अलमारी के सारे ताले टूटे हुए मिले। चोरों ने उसके घर में रखे हुए करीब 2 लाख रुपए नकद और 9 तोले सोने के वजनी आभूषण, चांदी के सिक्के और पायल चुरा कर ले गए। मौके पर पहुंची शहर पुलिस ने मामले का जायजा लिया। सीसीटीवी में कैद हुई ये पूरी घटना। ये चोरी की घटना समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज में 2 व्यक्ति नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी हुई है। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए विमल अग्रवाल, इन्होंने ये कहा। मकान सुना था तो रात को लगभग हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा है तो 12:50-1 के बीच में 2 लड़के आते हुए दिखाई दिए। हालांकि उनका चेहरा नहीं दिखा और पीछे से जो है तोड़ के अंदर घुसे और लगभग 2 लाख रुपए के आसपास कैश और 9 तोला के आसपास सोना और थोड़ी चांदी की, सोने की ज्वेलरी और थोड़ी सी चांदी की ज्वेलरी, लगभग अनुमान है इतना लगभग हुआ है चोरी। पुलिस को सूचना दी, FIR करवा दी है। पुलिस ने बोला है कि करते हैं तफ्तीश। जागरूक टीवी के लिए आबू रोड से खास रिपोर्ट।